इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रेट खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा लेजेंडरी आइटम ले सकते हैं। तो स्वागत है आपका अजाज शूटर यूट्यूब चैनल पर। अब देखो, सबसे पहली बात, सभी को ये पता होगा कि पबजी में तीन टाइप के क्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है प्रीमियम क्रेट, फिर आता है क्लासिक क्रेट, और उसके बाद है सप्लाई क्रेट। तो इसमें से जो क्लासिक क्रेट और सप्लाई क्रेट है, ये आपको जब भी मिले आप तभी खोल लो, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होता है। लेकिन प्रीमियम क्रेट को यूज़ करने का आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपको एक न एक लेजेंडरी आइटम ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो प्रीमियम क्रेट कूपन है, ये कहाँ से लाया जाए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको पहले चले जाना शॉप में। शॉप में जाके यहाँ बीपी का आपका एक ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे ये जो सिल्वर फ्रैगमेंट है, इसे आपको रोज़ ख़रीदना है। आपको 200 पे क्लिक कर देना है। मैक्सिमम आप 25 खरीद सकते हो एक दिन में, तो आपको इसे कर लेना है परचेज। परचेज करने के बाद आपको नीचे आ जाना है रिडीम के ऑप्शन में, वहाँ पे आपको स्वाइप डाउन करना है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पे मिलता है प्रीमियम क्रेट कूपन स्क्रैप, इसे आपको ख़रीद देना है। इसका मैक्सिमम लिमिट है 5, आप एक दिन में 5 ही खरीद सकते हो, तो इसे भी हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे करके आपको प्रीमियम क्रेट कूपन स्क्रैप को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है आपका इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आपको प्रीमियम क्रेट कूपन स्क्रैप मिल जाएगा, इसे आपको कर लेना है कम्बाइन। तो इसे कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने के बाद आपको प्रीमियम क्रेट कूपन जो है मिल जाएगा। तो आपको तो ये पता चल गया कि प्रीमियम क्रेट कूपन कैसे लें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करने का जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको एक न एक लेजेंडरी आइटम ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं शॉप में। शॉप में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ओ सॉरी, शॉप में नहीं जाना है, हमें क्रेट्स में जाना है। तो क्रेट्स में ये रहा प्रीमियम क्रेट। यहाँ पे आप देखो टॉप में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गारंटी टू ड्रॉप अ लेजेंडरी आइटम ड्यूरिंग फर्स्ट 10 ड्रॉ। इसका मतलब ये है कि आप अगर 10 बार प्रीमियम क्रेट कूपन को खोलते हो तो आपको एक ना एक लेजेंडरी आइटम ज़रूर मिलेगा। और साइड में आप यहाँ ये भी देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है 0 out of 10, मतलब मैंने अभी तक एक बार भी क्रेट नहीं खोला। अब देखो पहला 10 ड्रॉ में आपको कभी भी जो है लेजेंडरी आइटम मिल सकता है। मान लो आप अपना तीसरा क्रेट खोल रहे हो तो उसमें भी आपको लेजेंडरी आइटम जो है मिल सकता है। तो अभी मेरे पास 10 क्लासिक क्रेट कूपन है, तो मैं इसे यूज़ करके इसका प्रूफ आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ। तो चलिए हम खोल लेते हैं इसे एक एक करके। अभी तक मैंने 3 क्रेट खोल लिया है, ये रहा चौथा, ये फिफ्थ, सिक्स्थ क्रेट, ये रहा 7 क्रेट, ये 8वां क्रेट, ये 9 क्रेट हम लोगों ने अभी तक खोल लिया है। तो अगर आपको फर्स्ट 9 में नहीं मिला तो आपको 10th वाला जो है जो आप खोलेंगे उसमें ज़रूर मिलेगा। तो हम खोल लेते हैं आखिरी क्रेट अपना। तो देखिए मुझे एक लेजेंडरी आइटम मिल चुका है। यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था वो चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे लिखा है गारंटी टू ड्रॉप अ लेजेंडरी आइटम ड्यूरिंग फर्स्ट 20 ड्रॉ। मतलब अब आप नेक्स्ट 10 क्रेट जब खोलोगे तब आपको और एक लेजेंडरी आइटम ज़रूर मिलेगा। अभी तो मेरे पास और 10 क्रेट नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसा कि आपने पहले देखा कि फर्स्ट 10 ड्रॉ में आपको एक लेजेंडरी आइटम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट 10 ड्रॉ में भी आप लोगों को ज़रूर एक लेजेंडरी आइटम मिलेगा। अब मेरे पास कुछ क्लासिक क्रेट कूपन और सप्लाई क्रेट कूपन भी पड़ा हुआ है, तो मैं उन्हें भी आप लोगों के सामने यूज़ कर लेता हूँ। तो ये रहा सप्लाई क्रेट कूपन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है, और बेसिकली इसमें कोई ट्रिक नहीं है जिसको फॉलो करके आप लेजेंडरी आइटम या फिर कोई दूसरा मिथिक आइटम आप ले पाओ। तो इसे आप लोग के सामने हम खोल दे रहे हैं, हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। अब इसमें हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे पास कुछ क्लासिक क्रेट कूपन भी है तो उन्हें भी हम यूज़ कर लेते हैं। 3 क्लासिक क्रेट कूपन है, तो इसमें तो बहुत सारे लेजेंडरी आइटम है। और इसका मैं जैसा कि आपको पहले ही बताया, इसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, तो जब भी आपको मिले ये आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। तो इसे यूज़ कर लेते हैं हम लोग भी।
तो इसमें भी हमें कुछ नहीं मिला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब भी प्रीमियम क्रेट या फिर क्लासिक क्रेट खोलते हैं तो आपको 10 RP पॉइंट मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रीमियम में भी जाके दिखा दे रहा हूँ। प्रीमियम क्रेट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओपन एंड गेट 10 RP पॉइंट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जब आपके पास 10 क्रेट्स हो जाए तभी आप उसे यूज़ करना, क्योंकि ये जो आउटफिट और स्किन्स आपको मिलते हैं ये आपको एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है 12/3 to 31/3। नो, इस डेट के बीच आपने 6 क्रेट्स खोला और ये डेट निकल गया, आपको कोई लेजेंडरी आइटम नहीं मिला, तो आपने जो 6 क्रेट्स यूज़ किया है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जब आपका 10 क्रेट्स हो जाए तभी आप उसे यूज़ करें। तो यही था आज का वीडियो, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रेट्स को यूज़ करना है। थैंक्स यार वीडियो देखने के लिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।